नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले दिन आके ही हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि ऑब्वियसली हमने जो लेसन्स लेने हैं पिछली सीरीज से, बट उस बैगेज को कैरी नहीं करना है कि जो सीरीज में हो गया है, अब उससे सीख के आगे बढ़ना है। आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बिकॉज पता चल के दे ही नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कब होगा और स्केड्यूल से पहले कहां होना है इवेंट, इसका ऐलान कब होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने सख्त मौकफ पर डटा हुआ है। स्टेक होल्डर्स ने किसी लचक का मुजाहरा ना किया तो अगले 24 घंटों में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन नहीं हो सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना सेंसिटिव मामला है और ये बंदा इतनी घटिया बात कर रहा है बैठ के कि इसको शर्म आनी चाहिए। तू बात क्या कर रहा है भाई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे फैसला होगा WTC का। भाई वो तो होगा, लेकिन आप ये बताओ, आपने बात गलत बोल दी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं, मौत का नंगा नाच शुरू होने में। चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना सेंसिटिव मामला है और ये बंदा इतनी घटिया बात कर रहा है बैठ के कि इसको शर्म आनी चाहिए। तू बात क्या कर रहा है भाई। तू पाकिस्तान का इमेज गंदा बना रहा है। नहीं, तूने अगर इंडियन टीम को ये क्या इनविटेशन दिया है? और टकले 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 ये क्या था? मतलब तोतले ये क्या था मुझे बताना। मतलब यार आप एक बात सुनो, क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत जरूरी है भाइयों। जिनके पास एजुकेशन नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, इतनी कोई चवल बातें कर रहे होते हैं ये लोग, मुझे शर्म आती है कि यार एजुकेशन बहुत जरूरी हो चुकी हुई है पाकिस्तान में जिन लोगों का। आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं बिकॉज पता चल के दे नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कब होगा और स्केड्यूल से पहले कहां होना है इवेंट, इसका ऐलान कब होगा। देखिए, मैं फिलहाल एक चीज जानता हूं और समझता हूं कि फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त लिया हुआ है और लेना भी चाहिए। और हमें ये प्लीज सोचना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर क्या सोच रहा होगा, उनको उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने हमें दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला इंडिया वालों को। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे फैसला होगा WTC का। भाई वो तो होगा, लेकिन आप ये बताओ, आपने बात गलत बोल दी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं, मौत का नंगा नाच शुरू होने में। पार्क स्टेडियम के अंदर कल से शुरू हो रहा है मौत का नंगा नाच। जिसका लीडर होगा पैट कमिंस, वो बोलेगा भाई इस तरह से खेलो उस तरह से खेलो। वहां से लीडर होगा फिलहाल जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा साहब बाद में आएंगे, ठीक है। तो भाई ये मौत का अलग ही खेल शुरू होने वाला है, ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा। हालांकि इसी के बीच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज भी रही। पिछले साल नहीं थी भाई, पिछली दफा इतनी हाइप नहीं थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से इस बार भी इतनी नहीं होती अगर ये न्यूजीलैंड से इंडिया अपना जो टेस्ट है वो जीत जाता और प्लस अगर इंडिया से वर्ल्ड कप